राहुल बोले एमपी बलात्कार बेरोजगारी का कैपिटल। जबलपुर में कहा बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया। मंत्री तोमर का बेटा भ्रष्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अशोकनगर में सभा के बाद राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एमपी बलात्कार और बेरोजगारी का कैपिटल है। केंद्रीय मंत्री तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है। यहां बीजेपी के नेता आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हैं। मध्य प्रदेश बलात्कार बेरोजगारी का कैपिटल। मध्य प्रदेश बलात्कार का कैपिटल है उज्जैन में 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। बेरोजगारी का कैपिटल मध्य प्रदेश है। ये लोग नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं। मोदी ने तोमर के बेटे के वीडियो की जाँच नहीं कराई। तोमर जी के बेटे का वीडियो आपने देखा, मैंने भी देखा। वहाँ कभी 15 करोड़, कभी 100 करोड़, तो कभी 25 करोड़ की बात हो रही है। मोदी ने इसके बारे में कुछ बोला? मोदी ने जांच कराई, मोदी ने सीबीआई, ईडी, आईटी टीम भेजी। बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया। आपने एक और वीडियो देखा होगा जिसमें एक आदिवासी युवक पर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में जात ही नहीं है, दलितों और आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रदेश में है। कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ होगा। पिछली बार चुनाव हुए हमने वादा किया था किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का कर्जा माफ हो गया। गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चुनाव के बाद भी किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। चुनाव के बाद सिलेंडर 500 रुपए का होगा। मैं जो कहता हूँ करके दिखा देता हूँ। अशोकनगर में राहुल के भाषण की 6 खास बातें। बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब करते हैं। एमपी में बीजेपी के नेता को आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते देखा। तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है, उसका करोड़ों रुपए के लेन देन का वीडियो आया था। मैं मोदी जी से कहता हूँ जाति जनगणना कर दीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति तो है ही नहीं। ओबीसी की बात कर मोदी को जवाब दिया। मोदी जी ने 2-3 दिन पहले कहा हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। वे एक तरफ कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, दिल्ली में 90 अफसर सरकार चला रहे हैं, इनमें से 3 अफसर ओबीसी हैं। हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आदिवासी वर्ग के अफसर तो सिर्फ 0.1% निर्णय लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन ने बेरोजगार किया। मोदी कहते हैं सब कुछ प्राइवेट कर दो। पब्लिक सेक्टर में दलित आदिवासी थे, कंपनी बेच दी, उनको बेरोजगार कर दिया। 2-3-4 लोगों को देश की पूंजी बेच दी। ये अडानी कैसे बना? आपका नाम अडानी होता लाखों करोड़ रुपए आपके नाम हो जाते। बीजेपी ऐसी सरकार चलाती है। किसान कर्ज माफी से काम की गारंटी दी। मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देंगे। भाजपा 1100 रुपए में सिलेंडर दे रही है। कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए में सिलेंडर हो जाएगा। जीएसटी और फसल बीमा पर घेरा। राहुल ने कहा 30,000 करोड़ रुपया 16 कंपनियों को मिला। ये पैसा फसल बीमा और जीएसटी का आपका था। ये ऐसी कंपनियों को दिया गया जिनमें एक भी न तो आदिवासी, न ओबीसी, न दलित है। जब आप बीमा का पैसा मांगते हो तो कंपनियां मना कर देती हैं। ईमेल करते हो तो कहते हैं आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की मदद नहीं करती। मनरेगा हम लाए, भोजन का अधिकार हम लाए, जमीन अधिग्रहण हम लाए, पेशा कानून हम लाए। मुझे एक योजना बता दो जो उन्होंने गरीबों के लिए लाई। वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, हम कहते हैं जल जंगल जमीन पर आपका अधिकार है, वो कहते हैं आप तो वनवासी हो। अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। बलात्कार का कैपिटल है, यस। 11 साल की बच्ची का, 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है। यहां पे कहां पे? उज्जैन में। पूरा देश जानता है। बेरोजगारी का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा, वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका, तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा, बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने? मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों?
मोदी जी ने इंक्वायरी कराई, मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा, क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो ये क्या नाम है लड़के का, तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्य प्रदेश में, कोई भी भ्रष्टाचार हो, नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो वीडियो दिखा दीजिए ना तोमर जी का, पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं है, बाकी हिंदुस्तान को दिख गया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नहीं दिखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।